कुछ तो दे सकते हैं। और 15 तारीख को ना दिव्य दरबार लगने वाला, जय बागेश्वर धाम के, जय बाबा बागेश्वर के। हम लोग अभी तरेत में है, नौतपुर के तरेत पाली मठ के पास है, जहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार बाबा का कथा आयोजन होने वाला आज 13 से 17 मई तक उनका कथा का आयोजन होने वाला, हनुमंत कथा का आयोजन। और देख लीजिए आप, अभी शाम के 4 बजे है, अभी 4 बजे से कथा स्टार्ट होने वाला है। बाबा का भी आगमन हो गया है पंडाल में, और यहाँ पे जैन सलाब देख लीजिए, लोगों का भीड़ देख लीजिए, आने से मान नहीं रहे लोगों। मुख्य द्वार है जहाँ से लोग आ रहे हैं, और पीछे में आपको दिखाते हैं पंडाल, जिस पंडाल में बाबा का कथा होने वाला है। यहाँ पे 3 पंडाल आपको लगा हुआ है, हर पंडाल में कम से कम 2-2 लाख 3-3 लाख भक्त आराम से बैठे हुए, और पीछे बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे लोग अभी आ रहे हैं, लगातार बैठ रहे हैं। निक नहीं लागे खाइल पियल लागत बोझ अब धरती पे जियल, जगले हो जाता भोर हो, जगले हो जाता भोर हो, अखिया से गिरे लोर हो, साधु हंस मुखी बालाचार। ए बागेश्वर मेरे बाबा कर दो दिल के दगा का आविष्कार, नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन पुत्र विनती बारंबार, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। कश्तियों को किनारे मिले,
बदले मंजर नजारे सब तूफान में भी दीपक जले। पाई भक्ति जब से तेरी कश्तियों को किनारे मिले, बदले मंजर नजारे सब तूफान में भी दीपक जले। जिस दिल में बसते हो तुम हो जाता है रोशन उसका जीवन।